सुबह की सनी नहीं बल्कि विंडी रेनी कैलगरी मॉर्निंग। चलते हैं आगे थोड़ा सा, तो एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं आपके साथ। क्या ख्याल है इससे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वगैरह दे देते हैं, देख क्या देते हैं जो अल्लाह ने हमें बताया वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो कल हमने जिक्र किया था कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस LMIA डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आप कंसल्टेंसी को अप्रोच करते हैं, वो फिर आपके लिए एम्प्लॉय ढूंढती है, फिर वो एम्प्लॉयर के बाद आपके साथ जो है इंटरव्यू सेटअप करते हैं। इंटरव्यू होता है, आप जब इंटरव्यू में पास हो जाते हो, और कोई ख़ास इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक करते हैं। तो इंटरव्यू कोई खास नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश चेक करते हैं आप। अच्छा, तो आप इंटरव्यू दे पाते हैं या नहीं दे पाते, इंग्लिश बोल पाते हैं नहीं बोल पाते, ये आपसे पूछते हैं, आप चेक करते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू पास हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट भेजते हैं आपको, आप कॉन्टैक्ट साइन करके भेजते हैं उनको वापस। उसके बाद फिर आपका LMIA प्रोसेस होता है। LMIA प्रोसेस होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो देने पड़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी सैलरी स्लिप्स होती हैं, आपके पिछले पुराने वर्क एक्सपीरियंस होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आप जिस जॉब पे जा रहे हो उसका कम से कम आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें $4,000 होने चाहिए आपके बैंक में, और इसके अलावा सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो, इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो PCC बोलते हैं वो करवाना होता है। अगर आप बाहर हैं अपने मुल्क से तो अपने मुल्क का भी भेजना होता है, और जिस मुल्क में आप रेजिडेंट हैं वहाँ का भी आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजना होता है। उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल, मेडिकल है वो आपको करवाना होता है। उसमें जो है आपका 4 किस्म के टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे होता है, HIV/AIDS होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, और उसके अलावा आपका क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं, और एक यूरिन टेस्ट होता है। जो क्रिएटिनिन लेवल होता है वो 1.2 होना चाहिए, 1.3। बाकी आपके जो से जो HIV और जो दूसरे दूसरे टेस्ट हैं चेस्ट एक्सरे वगैरह ये सब आपके नेगेटिव होने चाहिए। नहीं, अपफ्रंट मेडिकल के बाद में आपकी जो कंसल्टेंट होती है वो आपको बायोमेट्रिक ले ले जाके आपको फिंगर देना होता है। फिंगर देने के बाद में फिर उसके 2 दिन के बाद में आपको CIC फॉर्म रिसीव होता है। बायोमेट्रिक देने के बाद में, बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आपका कोई क्राइम या कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो लोग आपको चेक करते हैं कि आपने कोई वीज़ा रिजेक्शन समथिंग कुछ आपका आया हुआ है, तो को ट्रैक करते हैं। उसके बाद में जैसे बायोमेट्रिक आपका क्लियर हो जाता है, ये वेरी गुड, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये कि बायोमेट्रिक जो से हैं आपके जो आपकी सारी फाइल सबमिट हो जाती है, तो उसके बाद आपको है वो बायोमेट्रिक के लिए बुलाते हैं। बायोमेट्रिक जो है आपके जो है वो चेक होते हैं कि आपने पहले किसी मुल्क में अगर अप्लाई किया है या अप्लाई किया है नहीं किया, अगर किया है तो खुदा के लिए कोई फेक वगैरह यानी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे मत दीजिए कि आपने आप कभी किसी दूसरे मुल्क के लिए अप्लाई नहीं किया या आप रिफ्यूज नहीं हुए, तो प्लीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए। क्योंकि मैंने जापान का वीज़ा ट्राई किया था, मैं उसमें भी रिफ्यूज़ हुआ, तो मैंने कनाडा का एक मरतबा ट्राई किया था, मैं उसमें भी रिफ्यूज़ हुआ। बायोमेट्रिक से पहले CIC फॉर्म आते हैं ना? हाँ, बायोमेट्रिक से पहले CIC फॉर्म आता है, जिसमें आपकी कंसल्टेंट को जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस इन्फॉर्मेशन को रिलीव करना होता है। रिव्यू करने के बाद में आपको मेक श्योर आपका डेट ऑफ बर्थ और एकदम करेक्ट होनी चाहिए। उनके अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हो, फैमिली को बुलाना चाह रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद में साइन करके बर्थ को कंसल्टेंट को भेज देना। IELTS तो मैं भूल गया आपको बोलना, PCT, IELTS और मेडिकल, ये 3 जो होते हैं आपने ख़ुद से करने होते हैं, और ये आपको फिर अपने कंसल्टेंट को सबमिट करने होते हैं। ये सबमिट होने के बाद वो आपका केस आगे सबमिट करता है, फिर जाके आपका बायोमेट्रिक। तो शुरू से बताता हूँ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 6 महीने का, IELTS 2 साल का, LMIA 6 महीने का, मेडिकल 1 साल का। तो ये वैलिडिटी है, अगर इसके दौरान आपका वीज़ा वगैरह नहीं आता तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए वो आपको दोबारा देने पड़ेंगे।
आपका जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको वो एक पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर भेजते हैं, और उस पोर्ट ऑफ एंट्री के लेटर के साथ साथ आपका वो पासपोर्ट जो है पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। उसमें फिर आप क्या करते हैं, अपना पासपोर्ट भेजते हैं VFS के थ्रू, और फिर जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो आपको आपका वीज़ा स्टैम्प करके देता है। दो हफ्ते में तकरीबन फंस रहे हैं, दो हफ्ते में हो जाता है मैक्सिमम, एक महीने का टाइमिंग होता है मैक्सिमम। अच्छा, एक महीने का टाइमिंग होता है मैक्सिमम, दो हफ्ते में आ जाता है। ये आपकी यहाँ सऊदीया की कहानी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। और सऊदीया क्या, मिडल ईस्ट या आप कहीं पर भी हैं तो वहाँ पर आपका इमिग्रेशन की जो सी कहानी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करना होता है, आपका जो कंसल्टेंट है वो आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन ओपन कर देता है आपके कंसल्टेंट, आपके एम्प्लॉयर के साथ। उसके बाद आपके एम्प्लॉयर आपको बताता है कि आपने कब कनाडा आना है। बताइए, इसके बाद जब आपके फिर जब टिकट वगैरह आप ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एम्प्लॉयर ने आपको डेट बता दी कि आपने इस डेट को आना है, आप टिकट वगैरह ले लेते हो, तो आपके टिकट के पैसे आपको एम्प्लॉयर आपको वापस कर देता है। ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम।